अस्सलामुअलैकुम। तो बॉयज़ कैसे हैं, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो कि मैं आप लोगों के लिए गाड़ी लेके आया हूँ, टोयोटा करोला KE70 मॉडल है। तो ये जिस तरह के पूरी गाड़ी रिस्टोर करवाई गई है, इसके अंदर काफ़ी सारी मॉडिफिकेशंस की गई हैं। तो इसके हवाले से हम इनके ऑनर से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, तो वो हमें बताएंगे कि गाड़ी के अंदर क्या क्या मॉडिफिकेशन हुई है। अस्सलामुअलैकुम उदयर भाई, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, मैं ठीक ठाक, आप बताएं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तो उदयर भाई, हमें अपनी गाड़ी का पहले तो मॉडल बताएं और इसके अंदर आपने क्या क्या जो कि चीज़ें जो कि आफ्टर मार्केट लगवाई हैं, इसकी मॉडिफिकेशन करवाई हैं, वो हमें हमारे व्यूवर्स को भी बताएं और हमें भी बताएं। ये बेसिकली एक 1981 टोयोटा करोला, 80, 81, 82, ये तीन मॉडल्स है जो लास्ट जनरेशन थी करोला की, जो रेयर व्हील आए थे। सही। उसके बाद ये गाड़ी बेसिकली फ्रंट व्हील पे शिफ्ट हो गई थी, जिस पे 86 करोला आई, 80 कहते हैं, 90 कहते हैं। सही। तो इसी तरह प्रोलॉन्ग कर दी गई। ये स्पेसिफिक मॉडल ये अभी फिलहाल ड्रिफ्ट पर्पजेस के लिए बनाया हुआ है। ठीक है। ESFE का सेटअप है, ठीक है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, फोर स्पीड ऑटोमेटिक, और टाउन है इसका, इसका डिफ लगा हुआ ओपन। ठीक हो गया। बाकी इसकी फ्रंट टू बैक लेके सारी गाड़ी अपग्रेडेड है। ठीक है। ट्रक लाइट एलईडी एक कंपनी यूएसए की है, वहाँ से ये इंपोर्ट की गई है लाइट्स। हेडलाइट्स आपने बाहर से इंपोर्ट करवाई हैं? बाहर से तकरीबन 60-70 तक मुझे पेयर मिला था। ठीक है। तो ये प्रॉपर यूएसए स्पेक है लाइट। ठीक है। बाकी इसकी जेन्युइन ग्रिल है और जेन्युइन बम्पर्स एंड क्रोम में, इसमें प्लास्टिक बॉडी में भी आए हैं। सही। ठीक है। और बेसिकली मेरा जो प्लान गाड़ी के साथ वो लेके, मुझे पर्सनली गाड़ी पसंद है जेन्युइन कंडीशन में। ठीक है। मतलब जिसमें ओवर फेंडिंग ना हो, ओवर किल मॉड ना हो, वो ओवर किल हो जाता है एक तरीके से। ठीक है। तो मुझे वो पसंद नहीं है, मैं ओरिजिनल चेसिस पे खेलना चाहता हूँ। सही। ओरिजिनल इसके ये साइड मिरर्स हैं, ये एसी मॉडल है, स्पेशल एडिशन, इसमें DX भी आता है और बहुत मुख्तलिफ ऐसे मॉडल्स आते हैं जो पाकिस्तान में अभी तक नहीं आए। ठीक है। तो ये स्पेसिफिक मॉडल एसी है। सही। स्पेशल एडिशन, और इसके ये जो साइड मिरर्स हैं ये ऑटोमेटेड है। ठीक है। से आप कंट्रोल कर सकते हैं, एडजस्टेबल। अच्छा, अंदर से एडजस्टेबल है सारे? ये एडजस्टेबल है। सही। कवर है ये सारे। ठीक हो गया। इसमें DX जो आता है वेरिएंट, उसमें साइड पे आते हैं। ठीक है। तो इसमें छोटे मोटे इंजन साइज भी आते हैं, 1.3 से लेके 1.8 तक। ठीक हो गया। 1.5 GT भी आता है, 1.8 भी आता है, 1.3 भी आता है। सही। और इसमें फिर टू डोर भी आती है लंडन एडिशन, मतलब बहुत सारे स्पेक्स। ठीक है। और उसके अलावा इसकी साइड प्रोफाइल पे बात करें जी, इसकी साइड प्रोफाइल में बताएं आपने क्या क्या इसका लगा हुआ है। 2000 cc स्वैप्ड है। ठीक है। उसकी पावर टू वेट संभालने के लिए, उसको हैंडल करने के लिए, वो पावर रोड पे उतारने के लिए इस पे वाइट रिम्स लगाएंगे। वाइट से मतलब 8.5 JJ जो बेसिकली वेट होती है। ठीक है। तो 8.5 JJ इसकी वेट है टायर रिम की, और 195/50 R15 प्रोफाइल है। ठीक है। 15 inch का ये रिम है ताकि गाड़ी आपकी जो है वो ग्राउंड करे। तो इसे जो आपने टायर लगवाए, इससे गाड़ी के चलने में तंगी तो नहीं होती आपको? तंगी नहीं होती, बिकॉज ये बेसिकली ड्रिफ्ट पर्पजेस के लिए ना। ठीक है। तो हमें तो जाके सिर्फ टायर लेके हमने फाड़ने होते हैं। सही। उसलिए फिर काबली चल जाते हैं, और फैमिली गाड़ी है नहीं, वैसे प्रोजेक्ट कार है, जबरदस्त नहीं होता। बाकी इसमें जो इसके रोटर है फ्रंट, वो भी अपग्रेड है, फ्रंट सोए बार लगा हुआ है, फेंडर ब्रेसेस आगे इंशाल्लाह लगाने हैं। सही। और गाड़ी का ये बेसिकली ओरिजिनल पेंट कोट है, इसको इसी पे शॉवर किया गया। अच्छा, इसके फिल वक्त ओरिजिनल में है? ये बेसिकली है ओरिजिनल कलर। ठीक है। इसको शॉवर किया गया ओरिजिनल में दोबारा। ठीक है। और मैं थर्ड ओनर हूँ इसका, ये बेसिकली गाड़ी सारी पेशावर से बनी हुई है। सही। और इसमें इसे क्रोम ट्रिम्स भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है। ये मतलब पहले से ही है प्री? ये फैक्ट्री से आते हैं। ठीक है। के अंदर से ये प्री इंस्टॉल है। सही। ये पहले से आते हैं, और ये इस तरह की जो छोटी मोटी अटेंशन और डिटेल है ये बहुत कम होता है गाड़ियों के अंदर, लोग कम रखते हैं। सही। लेकिन इसमें मतलब कॉम्प्रोमाइज नहीं किया हुआ। तो इसके पार्ट्स वगैरह आपको इजीली मिल जाते हैं अगर कोई चीज? पार्ट्स भी इजीली मिल जाते हैं इसका, आज तक ओरिजिनल
फ्रंट बैक बम्पर्स, हेडलाइट, टेल्स, हर चीज यू नेम इट पाकिस्तान से अभी भी इजीली अच्छे पैसों में मिल सकती है। ठीक है, चाइना की भी मिलती है, ताइवान की भी मिलती है, मतलब इस गाड़ी में मसला नहीं होता। सही। अगर आपको पता ना कि आपने चीज कहाँ से लेनी है, ठीक है, यू हैव नो वरी कि आप मतलब चीज कहाँ से वो सोर्स कराएं, इजीली से सामान मिल जाता है। सही। और उसके अलावा गाड़ी की तरफ बैक की तरफ आए, ठीक है, ये कुछ स्टिकर्स ओरिएंटेड लगाए हुए जो बेसिकली गाड़ी के छोटे मोटे सामान लगे हुए हैं की बेस है। गाड़ी में फ्रंट टू बैक कॉइल ओवर्स हैं, सही, फ्री वे, ठीक है, इस पे गाड़ी लो हुई भी है और एक कॉइल ओवर्स बेसिकली इसके अंदर है बीसी रेसिंग के। सही। ठीक है, टेल लाइट्स इसकी कस्टमाइज है और टेल लाइट्स भी इसमें मतलब कोई देसी नहीं बनी हुई। सही। ये बेसिकली प्रॉपर ये LEDs के अंदर लग रही हैं, जिसके अंदर LEDs हैं, बिल्कुल, और ये प्रॉपर सील पैक, एक अच्छी क्वालिटी की लाइट्स बनी हुई, रिलायबल। सही। ओरिजिनल क्रोम बम्पर्स, नंबर प्लेट डिफरेंट है, ये छोटे मोटे मॉड्स हैं। सही। तो इसकी जो के ये बैक लाइट्स आपने ही मुल्तान से कस्टमाइज करवाई है या? ये नहीं, ये मैंने इस्लामाबाद से मंगवाई। अच्छा, वहीं से मंगवाई है या खुद ही बनवाई है? इस्लामाबाद से मंगवाई है, बेसिकली बनवाई वहां से है। सही सही। तो कितने का आपको पेयर मिल गया इसका? ये बेसिकली मुझे राउंड अबाउट मिल गया था 6-7 तक का। सही, जबरदस्त। तो इसके जो क्रोम के बम्पर हैं पिछले अगले ये सारे, ये इसके ना जेन्युइन थे, ये फैक्ट्री से आए थे क्रोम, जेन्युइन बम्पर्स, आप क्रोम अभी देख सकते हैं, बिल्कुल, या आप इसकी शाइन अभी तक बिल्कुल ये फ्रेश पड़ा, मैं वही देख रहा हूँ, ये नए भी मिल जाते हैं। सही। तो उनकी क्वालिटी में थोड़ा होगा तो सही, जो आफ्टर मार्केट आप बाद में लेते हैं, क्वालिटी का नहीं मसला होता, ये बेसिकली आप लोकल भी बन जाते हैं, इसके दरवाजे से डिग्गी शिग्गी हर चीज आप लेके, आप ये 18 गेज के बने हुए, सही, ये फैक्ट्री वाले ही हैं बेसिकली। सही। तो ये बने, बाकी ओरिजिनल ये स्ट्रेट पाइप किए हुए गाड़ी को। सही। अभी एग्जॉस्ट में चैम्बर लगा हुआ था, वो चैम्बर उतारा हुआ, आपको नीचे एग्जॉस्ट नजर नहीं आएगा, बिल्कुल एग्जॉस्ट नजर ही नहीं आ रहा कहीं पे भी, फिलहाल स्ट्रेट पाइप हुई भी है। सही। और तो स्ट्रेट पाइप में आपको फ्यूल एवरेज, फ्यूल एवरेज देखिए जब आप परफॉर्मेंस की तरफ जाते हैं, अब ये गाड़ी कम्प्लीटली ड्रिफ्ट पैक है। सही। तो इसका मेरा जो गोल है वो है कि मैं जितने भी आगे जो इवेंट्स हैं बेसिकली, जैसे अभी रिसेंटली लाहौर में वो थे रूम ड्रैग रेसिंग ड्रिफ्ट मत्सूरी 24। सही। तो उस पे जाके हम गाड़ी को रिप्रेजेंट करें इस चेसिस को। सही। और आपको पता है जैसे कि रेयर व्हील में बहुत लिमिटेड ऑप्शंस है पाकिस्तान में, डैटसन हो गई, K70-35 हो गई, K70 हो गई, K35 हो गई, क्रेसिडा हो गई, तो मुझे ओल्ड स्कूल ज़रा शौक था। सही। इसलिए मैं इस चेसिस के ऊपर अभी इसको प्रोलॉन्ग कर रहा हूँ। सही। बाकी इसमें जो अगर इंटीरियर की तरफ बात करते चलें तो कस्टम इसका शेयरिंग व्हील है, टकाटा का है, चाइना की फ्रेश कॉपी है, अच्छी क्वालिटी में, अल्कंटारा लेदर है, उसके बाद डैश इसका ओरिजिनल है, ठीक है, एसी वेंट्स, एफएम, ईच एंड एवरीथिंग इज कंप्लीट ऑन द कार। उसके अलावा ये गियर बॉक्स आ गया इसका, ये 4-speed लॉन्ग रेशियो गियर बॉक्स है, क्विक शिफ्ट। और इसके अलावा गाड़ी जब साइडवेज ज़रा जाती है तो साइडवेज में आपको ज़रा साइड वॉबल होते हैं, सिंपली बकेट्स लगवाई गई हैं, सिंपली बकेट सीट्स हैं। तो ये आपने कहाँ से, ये भी इंपोर्ट करवाई थी? नहीं, ये इंपोर्ट नहीं, ये मिल जाती हैं लोग यहीं से, मेरे ख्याल में पिंडी से मंगवाई होंगी। हाँ जी, ये बेसिकली पिंडी पेशावर उस साइड से ज़्यादा मिली थी। सही। और इसके अलावा गाड़ी के अंदर वो हैं ऑटोमेटिक विंडोज़ हैं, ये इलेक्ट्रिक विंडोज़ हैं, ठीक है, ये भी कस्टम मॉड है ताकि गाड़ी में ज़रा एक मॉडर्न फील आ जाए गाड़ी के अंदर। सही। मॉडर्न पीस है और बेसिकली ये इसके मैच हैं ब्राइट के, अभी तो गाड़ी थोड़ी गंदी हुई है लेकिन अभी ये इसके मैच हैं फ्लोर मैच ब्राइट के, ये भी एक बड़ी मुश्किल से सोर्स किया था। सही। मीटर इसका ओरिजिनल है क्योंकि उसकी लाइट्स मैंने पीछे कस्टम चेंज कराई हुई है, अभी थोड़ी फ्लिकर कर रही होंगी। सही। और ईच एंड एवरी गेज चलती है इसकी, ये हर चीज़ एक्टिव है। सही। चलिए मैं आपको इसका इंटीरियर दिखाता हूँ, बेसिकली ये इसका 3SFE इंजन है, इनलाइन 4 इंजन होता है और ये DOHC होता है, डुअल ओवरहेड कैमशाफ्ट। सही। और इसका ये मैनिफोल्ड है, कार लगा हुआ है, इंजन लगा हुआ है, ठीक है, डबल डुअल प्रोपेलर कोर इसका ये लगा हुआ है, रेडिएटर लगा हुआ है ताकि इंजन की जो परफॉर्मेंस है वो इजीली इसके साथ टेम्परेचर मीट करे। सही। ठीक है। और ये बेसिकली सेटअप, ये सेटअप आते हैं MR2s आती हैं, ऑफ 11 AW11 MR2s आती हैं, उसके बाद ये आते हैं हाईएस्ट में भी आता है, टाउन एस में भी इंजन आता है, ये बेसिकली इंजन हाईएस्ट से उठता है। तो ये था आज का रिव्यू, उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा, जिस तरह के गाड़ी के बारे में मैंने आपको पूरी डिटेल बताई है, मैंने तो नहीं बताई, उदयर भाई ने बताई है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलिएगा।